सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलीला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। अलीगढ़ जनपद के नगला बलीपुर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामेश्वर मंदिर में भगवान भोले शंकर की प्राण प्रतिष्ठा योगेंद्र पाल सिंह लालू सहित अन्य लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, स्थानीय विधायक अनिल पराशर सहित सैकड़ों की संख्या दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य रिपोर्ट। साथियों नमस्ते, आइए यहाँ जनपद अलीगढ़ के, मैं यहाँ बलीपुर गांव में हूँ, जहाँ के जो भी अभी यहाँ से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला जा रहा है। यहाँ देखिए, इस गांव में बड़ा हर्षोल्लास के साथ में देखिए कहेंगे कैमरामैन साथी से ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर ये मंदिर है और ये मंदिर का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है मंदिर पर, और मंदिर के कार्यक्रम को चलते हुए यहाँ काफ़ी समय हो गया, भंडारे में भी लोग रुचि ले रहे हैं। यह क्षेत्रीय विधायक अनिल पराशर, साथ में सांसद सतीश गौतम और काफ़ी और नेता भी यहाँ हैं जो श्री राम के आज कार्यक्रम के लिए यहाँ सभी ने अपने गवाह बने। डेली न्यूज के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह। हाँ सर, आज का जो एक पर्व है ये ऐसा एक राष्ट्रीय पर्व है जो विश्व में एक आज ऐसा मनाया जा रहा है, विश्व का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आज राम में न हो। सांसद जी आप अपना परिचय देते हुए बताएं। 500 साल बाद ऐसा पर्व है जो भगवान राम अपने घर वापसी आए जी। सबसे बड़ी बात है, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा, लोग कहते थे टेंट में रहते थे, भगवान टेंट में रह रहे, आज अपने घर में 500 साल वापस आए, इसलिए उत्सव के रूप में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालू जी ने भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करा के भोले शंकर का दरबार मंदिर बनवाया है, उसके लिए भी मैं आज भंडारे का आयोजन किया गया। इसी खुशी में पूरा देश पूरी खुशी में भगवान राम के मह में है, पूरा ताप धनु जिस तरह से रैली यात्रा करके निकाला जा रहा है, ये सब आज भगवान राम। सांसद जी डेली न्यूज के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे राम के? मेरा तो ये भगवान राम राज है जी, ये राम राज है, राम राज इसी को तो कहते हैं। आज दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ भगवान राम के जयकार, यही राम राज। आज ही लग रहा है कि आज राम अपने घर वापस आए, 500 साल बाद लग रहा है, ये हिंदू देश है। धन्यवाद। जी बताइए, आज का जो पर्व है, आज का दिन ऐसा है जो इतिहास में एक गवाह हो जाएगा, ऐसे दिन के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे श्री राम के प्रति? मैं समझता हूँ त्रेता युग के बाद सनातन धर्म का महान युग शुरू हुआ है, और ये दिन आगे सैकड़ों वर्षों नहीं हजारों वर्षों तक एक इतिहास बनकर रहेगा। प्रभु श्री राम लला विराजमान आज हुए हैं, 500 वर्ष की तपस्या के बाद में पुनः हम सबको ये सौभाग्य मिला, हम सबका जीवन भी आज धन्य हुआ है कि हमें वो संघर्ष भी देखने को मिला और आज प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का भी अवसर मिला। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कृपा ईश्वर की सनातन धर्म पर हमारे हिंदू धर्म पर नहीं हो सकती। मैं आप सब भक्तजनों को, प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपका परिचय साथ में, और आज श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में और यहाँ भी एक कार्यक्रम किया गया है, तो उसके संदर्भ में आप बताएं थोड़ा, पहले परिचय देते हैं। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह लालू है, मैं बलीपुर गांव का रहने वाला हूँ जी, और ये जो स्थान है वो नगला बलीपुर है। यहाँ पर यह मंदिर हमारे छोटे भाई द्वारा पिछले दिनों निर्माण कराया गया, और अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन प्रभु राम की कृपा से, श्री प्रभु की कृपा से एक साथ जब हम सब लोगों ने देखा कि पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया जब राममय हो गई है, तो क्यों ना हम भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन जाएं। हम सब गांव वालों ने, परिवार वालों ने यह विचार किया कि इसी 22 तारीख को जब रामलला अपने महल में विराजित हो रहे हैं, तो हम भी भोले बाबा को इस मंदिर में विराजमान करने की प्रयास करें, और उनकी ऐसी कृपा हुई कि उसी निमित्त, उसी शुभ घड़ी में
और आप आर्या जी देख रहे हैं कि यहाँ महादेव बाबा यहाँ विराजमान हो गए हैं अपने परिवार के साथ, और हनुमान जी भी उनके दरवाजे पे खड़े हैं प्रहरी के रूप में जी। जो हर युग में भगवान के प्रहरी के रक्षक के नाते, उनके भक्त के नाते रहते हैं, और यह उनकी हमारे गांववासियों पे, हमारे परिवार पे, हमारे क्षेत्रवासियों पे इतनी महती कृपा श्री राम की हुई है कि यह मंदिर बन गया, और इसका नाम भी आप सब लोगों ने सुझा दिया, हमने इसका नाम रामेश्वर मंदिर रख दिया कि वो उनके ईश्वर हैं और वो इनके ईश्वर हैं, बस उनकी कृपा हमारे गांव पे, हमारे क्षेत्र पे, राष्ट्र पे हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है। मेरी प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा, और आज कुमार सिंह ग्राम बलीपुर जी पोस्ट कुमाछोड़ जी, आज ये जो रामेश्वर मंदिर है आपका, इसके संदर्भ में थोड़ा बताऊंगा। हाँ सर, ये हमारे छोटे भाई तैयार किया और भंडारे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सहयोग किया है, और प्रभु इच्छा ऐसा ये आज का दिन जो भगवान राम ने रखा था जी अयोध्या में, ये प्रोग्राम था, दुनिया में था, इसीलिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई शिव परिवार की, और हनुमान जी भी राजमान जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कुमार गोस्वामी है, मैं कटहरा का रहने वाला हूँ, और इस प्राण प्रतिष्ठा में मेरा ही सहयोग रहा है, और ये रामेश्वर जो नाम रखा है इस मंदिर का, इसलिए रखा है कि जब भगवान राम ने पुल पार करने के लिए लंका जाने के लिए, और ये सबसे पहले शिवलिंग को तैयार किया था, उस शिवलिंग का नाम रखा था रामेश्वर, इसलिए कहा था, पहले उन्होंने कहा कि शिवस्य राम, जो शिव है वही राम है, लेकिन पिंडी से आवाज आती है नहीं, रामस्य शिव, जो राम है वही शिव है, इसलिए दोनों को मिलाकर इस मंदिर का, उस पिंडी का नाम रामेश्वर रखा गया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका परिचय और साथ में श्री राम के संदर्भ में थोड़ा बताएं क्या। सुरेश पाल सिंह जी, गाँव बलीपुर है मेरा भी जी, ये मेरे चचेरे भाई हैं जी, और बड़ी प्रभु की असीम कृपा है कि हम भी इसके निमित्त बने इस पल के जी जी जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो मैं आपका परिचय और साथ में श्री राम के संदर्भ में आप थोड़ा बताएं क्या करके। मैं यतेंद्र पाल सिंह, नगला धम्मन सिंह बलीपुर, भगवान राम के स्थापना के अवसर पर आज हमारे यहाँ मंदिर में स्थापना हुई है, और विशाल भंडारा चल रहा है, और पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, लोग भगवान राम को फॉलो करें, नए युवा भगवान राम को फॉलो करें, और उसको उनको आदर्श मान के उनको पढ़ें और समझें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भगवान राम के बारे में पढ़ के, समझ के, उनको फॉलो करके हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। अरे क्या हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राम का केवल नाम ही जपें या उनके चरित्र को भी अपनाना चाहिए? नहीं, राम का नाम जपना एक भजन है, लेकिन उनको चरित्र को अपनाना, अपना चरित्र बनाना है, उनके चरित्र से अपना चरित्र बनाएं, और युवाओं से खासकर मेरा कहना रहेगा कि उनके उनको पढ़ के, समझ के, अपने ऊपर ढालें, और देश को विश्वगुरु बनाने में आगे। धन्यवाद आपका। भारत वासियों को जय श्री राम बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज के दिन हमें राम लला का दर्शन ना हुआ, बट हमने अपने मंदिर में अपने भोले बाबा को यहाँ पे स्थापित कराया है। उनके सौभाग्य से हमारे यहाँ खूब अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, खूब भक्तजन आ रहे हैं, भंडारा कार्यक्रम भी चल रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे आज पूरे भारत के लिए ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है, आप भी सभी लोग इसमें खूब आए और खूब मनोबल बढ़ाएं हमारा भी, और आगे के लिए हमें उत्प्रेरित करते रहें। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, जय श्री राम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवानी सिंह, पिता का नाम मिस्टर दिनेश पाल सिंह। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं थोड़ा। आज का कार्यक्रम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया गया है। हाँ हाँ, तो डेली न्यूज के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो श्री राम के संदर्भ में? सनातन धर्म को आगे आगे बढ़ाया जाए, और श्री राम को हमेशा आज के दिन और ज्यादा याद किया जाए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका।